हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये हमारी आईएमओ सीरीज की प्रैक्टिस सीरीज का हमारा डे 5 है। हम चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। डे 4 तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 हमारा बड़ा था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसलिए उसको हमने दो पार्ट में किया था। एंड इट्स आवर डे 5 वीडियो। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर टुडेज टॉपिक? एंड इट्स मेजरमेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं, बेसिक मेजरमेंट होता क्या है, देन उसके बाद में यूनिट्स क्या होती है, डेसिमल में हम उसको कैसे सिस्टम में यूनिट्स और डेसिमल को हम लोग मेजर करते हैं, उसके बाद में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन सी होती है, देन उसके बाद में टाइम की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे और टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज अमेजिंग टॉपिक व्हिच इज मेजरमेंट। एंड सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट क्या है, मतलब है बच्चों, ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट का मतलब है कि किससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है, कितना हेवी है, या फिर उसमें कितनी कैपेसिटी की कोई चीज आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये पेन है तो इसकी हाइट कितनी है, या फिर इसका वेट कितना है, या फिर हम बोलते हैं कि मेरे पास बकेट है तो उसमें कितना वाटर आ सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट से मतलब ये तीनों बातें हैं। क्लियर है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्लास 6 में भी आपके ये टॉपिक आने वाला है साइंस के अंदर, तो आपको बेटर है अगर अभी से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की हमारी जो है वो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। वेयर एज स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, लार्ज लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर या फिर किलोमीटर यूज करते हैं। जैसे मुझे यहां से दिल्ली की, कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस बतानी है तो मुझे किसमें यूज करना होगा, किलोमीटर में यूज करना होगा, राइट? एंड लेट्स सी कि मेरा जो घर है वो मेरे स्कूल के जस्ट पास ही है, 100 मीटर डिस्टेंस पे ही है, तो उस केस में थोड़ी डिस्टेंस पे है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीटर यूज करेंगे। और अगर मुझे इसके ये मेरे पेन का अगर लेंथ बतानी है तो वो मैं क्या करूंगी, सेंटीमीटर में इसको बताऊंगी कि इसकी कितनी लेंथ है। दैट मींस डिपेंड करता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली आप उसकी डिस्टेंस बताओगे, आप उसकी यूनिट बताओगे। उसके बाद में वेट के लिए हम लोग ग्राम और केजी यूज करते हैं, अगेन स्मॉलर के लिए ग्राम और जो बिगर चीजें होंगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम। सिमिलरली कैपेसिटी के लिए मिलीलीटर और लीटर, मिल्क हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, वाटर बॉटल भी हमारी लीटर में होती है, स्मॉल के लिए मिलीलीटर और लार्ज कैपेसिटी के लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं। सिमिलरली ये जो हमारी हायर यूनिट्स है, जो बड़ी यूनिट्स है उसको, उसके लिए हम कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, किलोमीटर कर सकते हैं, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। जो हमारी बेस यूनिट है यहाँ पे हमने मीटर कंसिडर की है, सिमिलरली जो वेट है उसके लिए ग्राम है, एंड जो आपकी बड़ी यूनिट्स है वो किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम। सिमिलरली फॉर कैपेसिटी इट इज लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर। सिमिलरली लोअर यूनिट्स के लिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हम आने वाले स्लाइड्स में इसकी शॉर्टकट भी बताएंगे बच्चों की कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो। देन अगेन सिमिलरली ग्राम के लिए डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम, एंड फॉर लीटर इट इज डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, राइट? सो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का हमारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये आपको आना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि फिफ्थ में भी काम आएगा, सिक्स्थ में भी काम आएगा और इनडायरेक्ट वे में हायर क्लासेस में भी काम आएगा। कैसे, सिमिलरली देखिए आप, यहां समझिए, सबसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि किलो जो है हमारा, यहाँ पे हमने हाइएस्ट टर्म कंसिडर की है, किलो के बाद में हेक्टो, हेक्टो के बाद में डेका, और ये हमने बेस यूनिट कंसिडर की है, और उससे छोटे में जाना है तो डेसी, सेंटी, मिली। अब इसको समझो, जैसे मुझे 1 किलोग्राम को, ठीक है, 1 किलोग्राम को, या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर को, ठीक है, लेंथ में हम इसकी बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, देखो कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर तक आने में, यहां पे आप देख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, दैट मींस जो ये 1 किलोमीटर है वो किसके बराबर है, 1, 2, 3, 4,
4, 5 और अब ये मेरी जो वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, सेंटीमीटर में। सिमिलरली अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर कितना सा होता है इतना सा, और किलोमीटर कितना बड़ा होता है, अगर मुझे उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अगेन सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपकी वैल्यू 1 किलोमीटर में कन्वर्ट होगी तो इसके नीचे कितने 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस आ जाएंगे। दैट मीन्स जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.5 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, एंड दिस वैल्यू इज इन नाउ किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमने यहाँ पे लेंथ के केस में लिया, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस जो ये जो टर्म्स है इनको लर्न करना है, और आप सभी लोगों ने इन टर्म्स के लिए जनरली सुना होगा, और वो क्या है वो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है? मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। किंग हेनरी, ठीक है, ये हमने बोला किंग, फिर एच से हमने बोला हेनरी, फिर उसके बाद में है डाइड अंटिल, यूनिट को हमने बोला अंटिल, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, किंग हेनरी, किंग हेनरी doesn't, यहां पे हमने बोल दिया doesn't, usually, use से हमने बोल दिया usually, drink चॉकलेट मिल्क। जो भी आप दोनों, आपको दोनों में से अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई थर्ड आपको और भी तरीका याद है तो वो भी अपना प्रिफर्ड वे में जिससे आपने लर्न किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस तरीके से आप इसको एक बार लाइन को लर्न कर ले बच्चों, सो दैट आपके लिए कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर अच्छा लग रहा है अभी तक वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। चलिए आगे बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की, जैसे कि लेंथ को हम लोग कुछ और यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, वो हमारी इंच हो सकती है, फुट हो सकती है, यार्ड हो सकती है, एंड 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर होता है, एंड 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस होता है। सिमिलरली 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 36 इंचेस होता है, एंड वेट के लिए हम लोग औंस, पाउंड और टन भी यूज करते हैं। 1 ounce is equals to 28 ग्राम होता है, 1 pound is equals to 16 ounce होता है। अब अगर मान लो मुझे 1 pound को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 28 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। पाउंड से डायरेक्ट आपकी किससे, ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। 1 ton is equals to 2000 pounds होते हैं। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, बट स्टिल अगर आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज जाननी है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मेजरिंग यूनिट्स एंड डेसिमल सिस्टम्स, क्या हम ऐसे डेसिमल सिस्टम्स में कैसे यूनिट्स को मेजर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बच्चों, 5 की जगह पे 8 मान लो, 8 किलोमीटर 854 मीटर इनटू किलोमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें किलोमीटर में करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर एंड 854 मीटर। तो हमने क्या किया, 8 किलोमीटर प्लस 854 मीटर को हमने क्या किया, किलोमीटर में। अब मीटर हमारी क्या थी, बेस यूनिट थी बच्चों, देखो मीटर यहाँ पे हमारी क्या है, लेंथ के लिए बेस यूनिट है। सिमिलरली जो आपकी वेट है उसके लिए यहाँ पे ग्राम बेस यूनिट हो जाएगी, और कैपेसिटी के लिए आपकी यहाँ पे लीटर बेस यूनिट हो जाएगी। अब मीटर को जब आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, मीटर को आपको किलो में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 times of 10s, yes, मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपके पॉइंट लग जाएगा और 3 values एज इट इज आ जाएंगी। एंड ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके किस में कन्वर्ट हो गई है, ये आपके किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारे पास में पहले 2 टाइप में वैल्यूज थी, किलोमीटर और मीटर में, और उसको हमने फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया है, किलोमीटर में कर दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्पीड 2x कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट है 9 kg 58 ग्राम, 9 kg को एज इट इज लिख दिया, 58 ग्राम को एज इट इज लिख दिया। अब अगेन यहाँ पे ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, ग्राम भी हमारी क्या है, बेस यूनिट है, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 करेंगे तो 3
यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स आएंगी, ये थ्री डिजिट्स आ गई एंड इस तरीके से ये आपकी जो वैल्यू थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, ये आपकी कंप्लीटली केजी में वैल्यूज। यहाँ पे देखो डेसिमल में भी ये हम इजीली इनको सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन होती है उनको एग्जैक्टली कैसे हम एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो क्लोथ्स हैं जिनकी लेंथ हमें गिवन है 18 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 15 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो सिंपल है, दोनों को हमें क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है 18 एंड 15। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 33.70 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 33 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, रोहित बॉट 4 kg 520 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, रोहित ने इतना परचेज किया एंड रवि ने इतना खरीदा, ठीक है। हाउ मच मोर वेट ऑफ फ्रूट्स डिड रोहित बाय, मतलब एक ने दूसरे से कितना ज्यादा खरीदा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिमिलर फॉर्म में हम लेके आ गए। जैसे हमने क्या किया, जो ग्राम की वैल्यूज थी उसको भी हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया दोनों ही केस में। जैसे 4 kg 520 ग्राम था, तो सिमिलरली जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इस ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। सिमिलरली 3 kg 315 ग्राम को यहाँ पे केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस कि किसका ज्यादा है, तो बड़े वाले में से हमें यहाँ पे पूछा है हाउ मच मोर वेट ऑफ फ्रूट्स डिड रोहित बाय, ठीक है, देन रवि, रवि से कितना ज्यादा रोहित ने खरीदा है। मतलब ये तो क्लियर है कि रोहित ने क्या है ज्यादा खरीदा है 4 kg एंड रवि ने 3 kg खरीदा है। कितना ज्यादा खरीदा है, तो 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे और इस तरीके से एग्जैक्ट हमारे पास में ये कैलकुलेशन आ जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ यस देन प्लीज शो मी अ थम्स अप साइन, यस वीडियो को लाइक कर देना सो दैट मुझे क्लियर हो जाए कि बच्चों को यहां तक सब चीजें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के लिए। अ वाटर टैंक इन कॉलेज कंटेन 15,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ईच स्टूडेंट ड्रिंक 5,000 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में 5,000 मिलीलीटर पी रहा है। इफ देर आर 800 स्टूडेंट्स इन कॉलेज देन हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद कितना वाटर हमारे पास बचेगा। सिंपली जो वैल्यूज गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं, वाटर टैंक की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 15,000 लीटर, ठीक है, ईच स्टूडेंट को कितनी जरूरत है 5,000 ml, उसको हम क्या करेंगे मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, छोटी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास में 5 लीटर आ गया। अब एक बच्चा 5 लीटर पी रहा है तो उसके बाद में 800 बच्चे कितने पिएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 800 स्टूडेंट्स को हमने 5 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मींस 800 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा आ गया विच इज इक्वल टू 4,000 लीटर। अब 15,000 में से जब हम 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो बचा हुआ पानी है टैंक के अंदर वो आ गया विच इज इक्वल टू 11,000 लीटर। आई होप सो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो वैल्यूज गिवन होती है बच्चों उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ। इट्स आवर क्वेश्चन एंड आंसर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोगों ने सेल्फ टेस्ट भी नाम दिया है, देखते हैं आप लोग कितना फटाफट आंसर कर पाते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं आगे और भी प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। इफ वन बॉय इज 450 सेंटीमीटर हाई एंड अनदर बॉय इज 540 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, दो लड़कों की यहाँ पे लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। सिंपल है, क्या करेंगे हम इसको 540 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली हमने क्या किया है 540 में से क्या किया है बच्चों 450 को माइनस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट जो भी आता है। कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इंटू
एमएम, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमें सिंपली क्या करना है, एमएम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर से एमएम में जाएंगे, वो आपको चार्ट याद होना चाहिए। देखो जब हम सेंटीमीटर से एमएम में जाएंगे, सेंटीमीटर से एमएम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दैट मींस जो 5 सेंटीमीटर है जब हम इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, इच इज इक्वल्स टू 50 mm। एंड 50 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 57 mm, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स, कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 5 माइनस, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 liter 60 ml, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको एग्जैक्टली ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर टू मिलीलीटर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो 5 की जगह 5000 हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 5060 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2030। बच्चों अगर यहाँ पर भी आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही हो कि मैम ये डायरेक्टली कैसे लिखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा सा टाइम बचा है इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी से लिख देती हूँ। बट अगर आप लोगों को चाहिए कि इसको भी हम डिटेल वे में लिखें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3000 बचेगा, राइट। एंड 60 में से 30 माइनस करेंगे तो सिंपली 30 बचेगा, और ये वैल्यू हमारे पास किस में आ गई है, मिलीलीटर में। सिमिलरली हम इस वाले पैटर्न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 liter है, एंड 6 liter का मतलब हो गया 6040 माइनस यहाँ पे 5105, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बच्चों आ जाएगा 935 मिलीलीटर। अब मुझे बताओ 3030 मिलीलीटर बड़ा होगा या 935, डेफिनेटली 3030 हमारा क्या है, बड़ा होगा। सो दैट मींस ये वाला साइन किस में, ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अ बास्केट कंटेन्स 5400 grams of mangoes. Which of the following options correctly represent the same weight of mangoes? मतलब ग्राम में गिवन है, तो हमें अगर उसको किलोग्राम में देखना है या फिर इसको और भी हम लोग किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो सिंपली देखो बच्चों, हमें जो मैंगोज गिवन है वो कितने गिवन है, 5400 grams। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ब्रेक करके, 5000 plus 400 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करके। तो दैट मींस ये क्या हो गया, ये हमारा 5 केजी हो गया एंड ये हमारा क्या हो गया, 400 ग्राम हो गया, एंड विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। आई होप इजी लग रहा है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं बच्चों, बस पेशेंसली आपको क्या करना है, फोकस होके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ग्लास इज 150 मिलीलीटर, देन हाउ मच वाटर डज 18 सच ग्लासेस कंटेन। इजी है, बता रखा आपको कि एक ग्लास की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ग्लास, वन ग्लास में कितना वाटर आ रहा है, 150 ml, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, वन ग्लास में इतना आ रहा है तो 18 ग्लासेस में कितना आएगा, सिंपल है, 150 ml को हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विच इज इक्वल टू 2700 ml, और ये किसमें, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करके, बहुत बढ़िया जबरदस्त आप लोगों की इस बार IMO की प्रिपरेशन हो रही है। तो इसी नाम पे आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना है, बिकॉज इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है एंड उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा, और आने वाले टाइम में आप लोग जिस भी टॉपिक के लिए बोलेंगे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाएंगे। चलिए हमारा सेकेंड पार्ट विच इज टाइम, अब हमारा स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने मेजरमेंट की सारी बातें कर ली है, कैसे हमको कन्वर्ट करते हैं, कौन सी यूनिट्स होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब सेकेंड पार्ट है विच इज टाइम। तो टाइम भी बहुत इजी है बच्चों, सिंपली हमें क्या करना है, पहले तो हमें कन्वर्जन समझ लेना है। हम सबको पता है रेलवे स्टेशन पे आप सबने देखा होगा 24 आवर की क्लॉक लगी हुई होती है, और एक दिन पता है क्या हुआ, मेरे 6 साल के बेटे ने मेरे से पूछा
कि वहां पे 24 आवर की क्लॉक ही क्यों लगी होती है, ठीक है, बड़ा ही मतलब सिंपल और इजी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो उसका रीजन क्या होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों वहां पे 24 आवर की क्लॉक लगी होती है। मैंने तो अपना जेन्युइन रीजन दे दिया, बट मैं सोच रही हूँ कि आप लोग क्या सोच पाते हैं वो भी मैं जरा जानूं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात करें, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, सो कन्वर्ट 24 डेज इनटू आवर्स। अब हमें अगर डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे बच्चों, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डेज को आवर्स में करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं, इसीलिए अगर हम एक दिन बात कर रहे हैं मतलब 24 घंटे, दो दिन की बात करें तो 24 कितना हो जाएगा, 48, एंड सिमिलरली जितने भी डेज हैं अगर उनको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उतने ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर कर देंगे उन डेज को। बहुत इजी है, आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर देना है भाई, आवर्स में गिवन है आपके पास डेटा, उसको डेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 24 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 24 कर दो, जैसे 48 आवर्स है और आपको दिन निकालना है तो 48 डिवाइड बाय 24 तो आपके पास में 2 दिन आ गया। थर्ड जो है हमारा आवर्स इनटू मिनट्स, अब ये तो बहुत सिंपल है, आवर्स इनटू मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे, जैसे यहाँ पे 8 आवर्स है, अब इसको क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय हम 60 कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो आवर्स की जगह किसमें आ गई है, 8 आवर्स इज इक्वल टू 480 मिनट्स। नेक्स्ट जो है हमारा डेज इंटू आवर्स, ठीक है, डेज इंटू आवर्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, ओके ये शायद रिपीटेड स्लाइड है, हो गया ये हमारा हो चुका है। देन लास्ट जो हमारा बचा है विच इज मिनट्स इंटू आवर्स, मिनट्स इंटू आवर्स में क्या करेंगे, अगेन उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे मिनट्स इंटू आवर्स की में क्या कर रहे थे, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग मिनट्स इंटू आवर्स तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, ठीक है, क्योंकि अगर आवर्स से मिनट्स में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 है, ठीक है, आवर्स टू मिनट्स करना है क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट्स से आवर्स करना है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, जैसे 240 मिनट्स थे हमारे पास यहाँ पे तो हमने क्या किया, आवर्स मतलब 60 मिनट्स होते हैं उससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो डेटा आ गया विच इज इन आवर्स। क्लियर हो गया, सिंपल है बच्चों, हमें क्या करना है, अगर मिनट से हम सेकेंड्स में जा रहे हैं तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, ठीक है, सेकेंड से मिनट में आ रहे हैं तो हम क्या, सॉरी मिनट से अगर हम सेकेंड्स में जा रहे हैं तो यस मल्टीप्लाई बाय 60, एंड सेकेंड से हम लोग क्या कर रहे हैं अगर मिनट्स में आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 60। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 12 आवर क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर, मतलब अगर हमें 12 आवर की क्लॉक को 24 आवर के क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल है कि यहाँ पे एएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स में, जैसे मैं बोलूँ कि सुबह के 5 बज गए तो 5 AM हो गया, ठीक है, अगर मैं बोलूँ शाम के 5 बज गए तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उसमें प्लस 12 करना होगा, ठीक है, उसमें क्या करना होगा, प्लस 12 करना होगा जो भी आप टाइम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 PM शाम के हो रहे हैं तो हमने क्या किया कि 12 के अंदर 5 ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया 17। सिमिलरली 6:30 PM शाम की बात करें तो 12 में हमने 6:30 ऐड कर दिया तो हमारे पास में 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 30 मिनट्स, तो हमारे पास में ये आ गया 18:30 आवर्स। सिमिलरली मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग में आपको सेम एज इट इज आपको लिख देना है, 5 AM की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आवर्स आ जाएगा। क्लियर है, सिर्फ प्लस 12 कर देना है, एंड 24 से 12 आवर्स में जाना है तो माइनस 12 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस 12 किया था, जहां पे हम लोग 12 टू 24 जा रहे हैं और 24 से 12 में जाना है तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस 12 कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 15 आवर्स गिवन है, अब हमें इसको क्या करना है, 12 आवर में कन्वर्ट कर देना है तो 15 - 12 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, 3 PM। सिमिलरली यहाँ पे 4 आवर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज 4 AM हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया है सारे बच्चों को, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, 12 टू 24 है तो प्लस 12, 24 से 12 है तो माइनस 12, जस्ट रिवर्स कर देना है। चलिए टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ
वार्मथ और कोल्डनेस की कोई भी जो चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो कितना गर्म है या फिर ठंडा है, ठीक है। और जनरली उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। जैसे आप लोगों को फीवर भी आता है ना, तो मम्मा क्या करती है, फटाफट से आपके थर्मोमीटर से चेक कर लेती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपकी बॉडी कितनी गर्म है, राइट। और जनरली हम जो टेम्परेचर है वो दो स्केल्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट, ठीक है। चलिए सिक्स क्लास में आप लोग एक और थर्ड नंबर का भी एक टेम्परेचर स्केल पढ़ोगे जो कि होता है केल्विन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज मनी। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमें अगेन यहाँ पे मनी को कन्वर्ट करना है, जैसे पैसे को अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है, ठीक है। 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है। सो टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज, डिवाइड द गिवन अमाउंट बाय 100, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 पैसा। सो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुपीज से पैसे में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और पैसे से रुपीज में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, सिंपली पैसे से रुपीज में जाएंगे तो हमें क्या करना है, टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज डिवाइड, ठीक है, एंड टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि हमें रुपीज से पैसे में जाना है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, तो अब 10 रुपीज को अगर मुझे पैसे में कन्वर्ट करना है तो दैट मीन्स ये ज्यादा हो जाएंगे ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम पैसे की बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 रुपीज मीन्स हो जाएगा 1000 पैसा। क्लियर है। चलिए यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड इज अ वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। मतलब समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है, 8 कैप्स की वैल्यू 120 रुपीज है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 कैप्स। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि 8 कैप्स हमारी कितनी आ रही है, 120 रुपीज की, तो पहले हम 1 कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 कैप की निकालने के लिए हमने क्या किया, 120 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज। एक जो हमारी कैप है वो 15 रुपीज की आ रही है। अब 15 कैप्स कितने की आएंगी, उस 15 रुपीज को 15 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स जो 15 कैप्स हैं हमारी वो आएंगी हमारी 225 रुपीज की। ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जनरली पूछे जाते हैं बच्चों। सो आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है उससे आपको क्या करना है, पहले एक क्वांटिटी के लिए एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है, एंड देन फिर आपको जितना पूछा गया है 10 15 जितने भी वैल्यूज पूछी गई है, सिंपली जो एक के लिए आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एक फैक्ट यहाँ पे गिवन है, डिवीजन इज यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन इज यूज टू फाइंड द मैनी ऑब्जेक्ट। मतलब हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की हमें चीजें निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे 15 के लिए हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। वेरेज हमें एक के लिए यहाँ पे निकालना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड। तो मल्टीप्लाई जब हम मल्टीपल के लिए निकालेंगे और डिवाइड जब हम एक के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक फैक्ट टाइप है, तो आप इसको याद रख सकते हैं जिससे कि आपके मैथमेटिक्स को ये इजी बनाएगा। चलिए कुछ सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कन्वर्ट दिस डेज इनटू आवर्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी चीजों को। 3 2 6 6 + 1 7/2 आपके पास में ये आ गया। 7/2 क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पे डेज आ गया बच्चों। अब 7/2 डेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, क्योंकि एक दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। देन हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 84, ठीक है, 84 आवर्स आ गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, टेम्परेचर ऑन गिवन थर्मोमीटर शोज, यहाँ पे 50 पे गिवन है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपको बताना है आंसर। द टेम्परेचर ऑन द गिवन थर्मोमीटर शोज, ठीक है, फिफ्टी पे गिवन है। देन उसके बाद में द अराइवल टाइम ऑफ अ बस एट पर्टिकुलर इज 8:15 AM इफ द बस इज लेट बाय 50 मिनट्स, ठीक है। मान लीजिए आपके बस स्टैंड पे आप स्कूल जा रहे हो, सुबह 8:15 बजे बस आनी थी लेकिन वो बस लेट हो गई कितने, 50 मिनट।
देन एट व्हाट टाइम द बस विल बस रीच एट द बस स्टॉप. अब आपको क्या करना है, सिंपली 8:15 में हम क्या करेंगे, 50 को ऐड कर देंगे. भाई उतने देर लेट आई है ना वो, तो यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, सिंपली 1 और 5 क्या हो जाएगा 65 और 8. अब 65 मतलब 60, यहाँ पे 60 मिनट्स होते ही तो हमारा क्या बन जाता है, 1 आवर ऐड हो जाता है. तो दैट मींस यहाँ पे जो फाइनल टाइम आया वो है आपका 9:00 होके 5 मिनट, और एएम की बात कर रहे हैं सो यहाँ पे एएम ए इज द करेक्ट आंसर. अराइवल टाइम कितना हो गया, कितने बजे आई वो, 8:15 की जगह पे 9:00 होके 5 मिनट पे. इफ द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स इज 900 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25. अभी अभी हमने सॉल्व किया था ना, सेम क्वेश्चन है बच्चों. 15 शर्ट्स जो आ रही है वो आपकी कितने में आ रही है, वो आपकी 900 में आ रही है. तो वन शर्ट कितने में आएगी, हम क्या करेंगे, जब वन के लिए वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास वन की वैल्यू आ जाएगी. 15 6 is 90 60. एक शर्ट की कीमत है 60 rupees, तो आपको कितने की निकालनी है, 25 शर्ट्स की निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, 25 multiply by 60, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1500. तो हमारे पास टोटल 25 शर्ट्स कितने की आई है, वो आई है 1500 rupees की. कनिका joined her dance classes on April 12th for 39 days, on which date will her dance classes last? मतलब उसने start कब किया था, 12 अप्रैल को, ठीक है. तो अब 39 days आप add कर लो. अप्रैल जो month होता है वो हमारा 30 days का होता है बच्चों, ठीक है. अप्रैल जो होता है हमारा 30 डेज का होता है. तो फटाफट से आप सिंपली भी ऐसे कर सकते हो कि 12 को स्टार्ट किया, तो 12 में जब आप लोग 12 को आपका फर्स्ट डे हो गया, तो या तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो 12, 13, 14, 15, या फिर इसमें डायरेक्टली प्लस 39 कर सकते हो, ठीक है. तो जैसे ही अब हम इसमें प्लस 39 करेंगे तो हमारा जो क्लासेस का लास्ट डे आएगा वो आएगा आपका 20th May. चलिए अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है. ये 100% आपके प्रीवियस ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चन है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रूम टेम्परेचर इज 10 degrees Celsius लेस देन द टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मोमीटर. जो भी थर्मोमीटर पे गिवन है उससे 10 लेस कर देना है. यहाँ पे आपके 40 गिवन है बच्चों, तो 40 में से जब आप -10 करोगे तो 30 centigrade हो जाएगा, 30 degree, ठीक है. चलिए बकेट पी कैन होल्ड 15 liter 350 ml ऑफ वाटर एंड बकेट क्यू को होल्ड 13 liter 170 ml ऑफ वाटर. हाउ मच टोटल वाटर कैन द गिवन बकेट होल्ड. अब यहाँ पे समझने की बात ये है बच्चों, पी बकेट्स भी आपके पास दो है, क्यू बकेट्स भी आपके पास में कितनी है, दो है. तो आपको क्या करना है, पहले तो जो पी की वैल्यू गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली जो क्यू की वैल्यू गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सेम सेम वैल्यूज को हम दो दो बार ऐड करेंगे. तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे मैं फटाफट से शॉर्ट में करके दिखाती हूँ आपको. पी की जो वैल्यू है वो क्या है, 15 liter and 350 ml. अब हम इसको क्या करेंगे, पहले कंप्लीटली इस ml को भी लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 15 हमारे पास आ जाएगा 350 liter. अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है. इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सो दैट हमारे पास दोनों पी की वैल्यू आ जाए, एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30.7 liter, ठीक है. फिर उसके बाद में सिमिलरली हम क्यू का प्रोसेस करेंगे. क्यू की जो वैल्यू है 13 liter and 170 ml, तो 13.170 liter. अब अगेन इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 26.34 liter. अब आपसे पूछा है हाउ मच टोटल वाटर, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाटर के लिए दोनों को ऐड कर देंगे. दैट मीन्स 30.7 liter प्लस 26.34 liter, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी विच इज इक्वल्स टू 57.040 liter, विच इज इन इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है. क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है एंड बस स्टेप बाय स्टेप चले जाना है. द गिवन क्लॉक शो द टाइम एट विच अ बस टर्मिनेटेड फ्रॉम बस स्टॉप पी एंड अराइव्ड एट बस स्टॉप क्यू. पी से निकली है, क्यू पे पहुंची, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू अराइव एट बस स्टॉप क्यू.
तो पी से क्यू तक पहुंचने में उस बस ने कितना टाइम लिया? तो बच्चों देखो यहाँ पे जो वो स्टार्ट हुई थी वो कितने पे हुई थी? वो हुई थी आपकी 5:50 पे, और जो इसका अराइवल टाइम था वो कितना था? 7:15। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम उसको कितना लगा, हमने क्या किया 7:15 में से 5:50 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 hour 25 minutes, which is in option number B. Clear है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. A water tank has capacity of this liter. If 245 liter of water is supplied to each family, total capacity इतनी है. अगर एक family को इतनी ज़रूरत है, then water for how many families can be supplied from that water tank? ठीक है? तो उस water tank से हम कितनी families को water supply कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है? Simply पहले तो total कितना दे रखा है? 4865 लीटर, ठीक है? हमने टोटल बता दिया, वन फैमिली के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ती है? 245 लीटर. अब हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैमिलीज, तो हम भाई कितनों को पहुंचा सकते हैं? तो सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है. 48265 को हम डिवाइड कर देंगे 245 से कि हम कितनी फैमिलीज को इससे वाटर सप्लाई कर सकते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 197. दैट मींस हम 197 फैमिलीज को इससे वाटर सप्लाई कर सकते हैं. इस लेवल वन का मतलब है बच्चों, जो आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हो, जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर उस केस में आप लेवल टू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो. कुछ स्टूडेंट्स आप में से लेवल टू के लिए क्वालिफाई करेंगे. तो एक बार जब ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम लेवल टू के लिए भी प्रिपरेशन करने वाले हैं. अरुण परचेज्ड अ बुक फॉर 150 रुपीज, अ पेयर ऑफ शूज इतना एंड शर्ट इतना. हाउ मच टोटल मनी? सिंपल है बच्चों, तीन चीजें उसने खरीदी, आप तीनों को आपको क्या कर देना है, एड कर देना है. जैसे कि 150.45 प्लस 280.25 प्लस 175.35. जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 606.05 रुपीस. ठीक है, इजी है, सिंपल, बस आपको ऐड करना है. मनीष सेव दिस इन 2021, दिस इन 2022. इफ ही स्पेंड्स दिस इन बिगनिंग ऑफ 2023 फ्रॉम हिज सेविंग्स, देन हाउ मच टोटल मनी लेफ्ट? भाई दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है कि इतना और इतना उसने बचाया था. फिर दोनों को जो टोटल करने के बाद आएगा उसमें से इतना उसने स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया. फटाफट यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं. जैसे कि देखो उसने जो बचाया था 2021 में, देन सिमिलरली यहाँ पे उसने बचाया था 7,15,942. तो हमने पहले तो क्या कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया और हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 213, देन उसके बाद में यहाँ पे 04, देन 12,40,312. अब उसमें से इसने कितना स्पेंड कर दिया, वो उसने कर दिया 312, इसमें से स्पेंड किया है इसने 1,54,718. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा बच्चों यहाँ पे 10,85,594. आप इसको जरूर सॉल्व करके देखे बच्चों, क्योंकि एक एक को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जल्दी में लिख देती हूँ. आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करके देखें, राइट? सो दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी. Shurabhi could complete a swimming race in 5 minutes 18 seconds. ठीक है. After some practice, she could complete the same race in 4 minutes 52 seconds. By how much time did her performance improve? Simply क्या करना है? पहले वाले time में से बाद वाले time को क्या कर देंगे? हम minus कर देंगे. जैसे हमने बोला 5 minutes 18 seconds. ठीक है. 5 minutes 18 seconds को हमने क्या करना है? पहले तो seconds में convert कर देना है. ठीक है. जब आप 5 minutes 18 seconds को जब convert करोगे seconds में तो ये आ जाएगा 318 seconds, and इसको जब आप seconds में convert करोगे तो ये आ जाएगा आपका 292 seconds, और जब दोनों को minus करोगे तो 26 seconds, क्योंकि हमें answer यहाँ पे seconds में given है, इसलिए हमने क्या किया, values को seconds में convert कर दिया. Compare and fill the box. आपको simply इन दोनों को पहले add करना है, उसमें से ये minus कर देना है, इसमें से भी इन दोनों को add करना है और ये minus कर देना है, और मुझे यहाँ पे value बताना है कि कौन सी आएगी. ये मुझे comment section में आप लोगों को answer बताना है. Easy question है, simply दो को add करके तीसरी वाली value.
माइनस कर दो एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी यही करना है और इधर ये आपके राइट हैंड साइड में भी दोनों को ऐड कर देना और इसको माइनस कर देना है और फिर बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है या फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, जो भी है मुझे आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे। इफ a plus b is equals to 105 ठीक है एंड ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 90 तो फिर हमारे पास में द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगा। सिंपल है बच्चों, क्या किया हम लोगों ने कि जो वैल्यूज हैं जब हमने इन दोनों को ही ऐड किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3a plus 3b is equals to 195 kg। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a plus b is equals to क्या आ जाएगा 195 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर से 3 अपॉन 3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 kg। a plus b जो है वो 65 kg। मिस्टर वर्मा अर्न 60,000 इन अ मंथ, ही स्पेंड्स 15,500 ऑन फूड, दिस ऑन दिस चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड दिस ऑन आइटम्स सेव्स द रेस्ट, हाउ मनी इज दिस। टोटल अमाउंट गिवन है उसमें जो खर्च किया उसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि जो खर्च किया वो है 15,500 प्लस 19,800 प्लस 17,600 इतना उसने खर्च किया तो ये हमारे पास में जो टोटल आ जाएगा वो होगा 52,900 रुपीज। अब हमारे पास में अर्निंग कितनी है उनकी 60,000, तो 60,000 में से हमने क्या किया 52,900 जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7,100 रुपीज विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सुनिधि बॉट 5.600 केजी ऑफ अनियंस, दिस केजी ऑफ कॉलीफ्लावर, दिस केजी ऑफ कैप्सिकम एंड दिस केजी ऑफ पोटैटोस फ्रॉम द मार्केट, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, सारी चीजों को बस ऐड कर देना है। 5.600 प्लस 4.125 प्लस 3.250 प्लस 7.900 और ये सारी जो वैल्यूज है वो किसमें है, हमारी केजी में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 20.875 केजी। बच्चों बस आपको क्या करना है, जो वैल्यूज है उनको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है बस इस चैप्टर में, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सारे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर्क फॉर 8 hours 30 minutes इन अ डे, एक दिन में 8 घंटे 30 मिनट काम करते हैं। हाउ मच टाइम विल दे वर्क इन 15 days If every day is working day, आपको क्या निकालना है 15 दिन में वो कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है, एक दिन का बता दिया तो 15 दिन में आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे आप देखो हमने क्या किया 8 hours, आपको आंसर किसमें है, आवर्स और मिनट्स में देना है। ठीक है, तो हमने बोला कि 8 hours एंड 30 मिनट्स वो एक दिन में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास आ जाता है 510 मिनट्स। क्या करना है आपको, आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो 15 डेज में अगर मैं मिनट्स में वैल्यू निकालूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 510 तो ये हमारे पास आ जाएगी 7650 मिनट्स। अब मुझे इस मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो अगेन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे जिससे मुझे मेरी वैल्यू जो है वो आवर्स में आ जाएगी। तो 127 hours and 30 minutes ये हमारे पास में टोटल उनके वर्किंग आवर्स आ गए। तो 127 किसमें, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। चलिए, रोप ए इज 18 centimeter लॉन्ग, रोप बी इज 3 times एज लॉन्ग एज रोप ए एंड रोप सी इज 12 centimeter longer than रोप ए। बहुत आसान है, what is the total length? भाई रोप ए आपको बता रखा है, ठीक है, तो रोप ए जो है वो क्या है आपकी 18 centimeter है। देन उसके बाद में बी जो है वो क्या है 3 times है रोप ए के, तो 3 into 18 कितना आ जाएगा आपका 54 centimeter आ जाएगा। सी जो है, ठीक है, सी इज 12 centimeter longer than ए, तो हम क्या करेंगे 18 में 12 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 30 centimeter। अब टोटल पूछा है तो टोटल में हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 54 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 102 centimeter एंड 102 इन ऑप्शन नंबर डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफिकल्ट है बट एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज द गिवन टेबल शोज द टाइम टेकन बाय 5 friends टू फिनिश अ लंच, ठीक है, लंच को फिनिश करने में इतना टाइम लगा है, हु टुक मोर टाइम देन मानव, मानव
ने टाइम लिया। अब देखो बच्चों, समझने की बात यहाँ पे ये है कि मानव की जो वैल्यू है वो सेकंड्स में है, तो और बाकी हमें जो वैल्यूज गिवन है वो मिनट्स में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इन मिनट्स को हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 24 मानव की, तो हमने ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1540, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1404 सेकेंड्स, ठीक है। देन इसके बाद में अंकित की हमारे पास आ जाएगी 1465 सेकेंड्स, एंड ये हमारे पास आ जाएगी 2660 सेकेंड्स। अब आप मुझे बताओ, मानव से ज्यादा किसने लिया, ये है क्या 15? नहीं। 24 से ज्यादा 14 है क्या? नहीं। ये है क्या? ये नहीं। आरव ने मानव से ज्यादा लिया, सो आरव इज इन ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस बड़े मजेदार लगे होंगे, एंड गुड जॉब टू एवरीवन, वेल डन एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू हैव डन ग्रेट। जितने भी क्वेश्चंस आए डजंट मैटर, बट आप लास्ट तक टिके रहे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, और नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है ये बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। अपने एक किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें सो दैट उनकी लाइफ में भी वैल्यू एड हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आप जो भी फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप अपने कोई भी व्यूज शेयर करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एंड ब्राइट फ्यूचर।